टू द व्हाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम जो पढ़ाई करने वाले हैं वो थोड़ी सी अलग है। अब तक हम चैप्टर्स के हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज हम जो दिल्ली गवर्नमेंट की वर्कशीट है वो करने वाले हैं। तो ये हमारी मैथ्स की क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 34 है, जो आपकी 9th फरवरी 2021 को आई है। तो इस वर्कशीट को करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज को कंपेयर करना होगा। क्वांटिटीज को कंपेयर करने का मतलब है कि एक तरफ हमने कोई चीज ली है, कोई नंबर लिया है या कुछ भी चीज ली है, और दूसरी तरफ भी कोई चीज ली है, और हम उन दोनों को फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है, या ये किस चीज के बराबर हो सकती है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपको मैच करना है। एक तरफ आपको ये 6 दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और देखिए 6, और दूसरी तरफ आपको ये ए से लेके आई तक कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें इन 6 में इसके लिए इन ऑप्शंस में से कुछ चूज करना है। पहले भी आपने 6th क्लास में क्वांटिटीज कंपेयर की हुई है, तो बस उसी को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे। आप पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर 1/2 या जिसे आप हिंदी में 1/2 कहते हैं, तो 1/2 जो है वो किसके बराबर हो सकता है? अगर आप इसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं, नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं अगर हम लोग 1/2 को, तो ये हमारा आ जाता है 0.5 के बराबर। ठीक है, 1/2 जो है वो 0.5 के बराबर होता है। लेकिन क्या हमारे किसी भी ऑप्शन में 0.5 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन है 25, 500, 75%, 50%, 100%, 50, 250 और HRI भी साथ में, लेकिन कहीं पे भी हमारा 0.5 नहीं है, पर परसेंट में चीजें गिवन है। तो जब प्रतिशत में गिवन है, तो जो हमारा 1/2 होता है वो 50% के बराबर होता है। कैसे निकालते हैं प्रतिशत? जिस भी चीज का प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है, उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%। क्यों? 2 ones are 2, 2 fives are 10 and 0 as it is, तो 50% जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। 50% कौन से वाले आंसर के साथ मैच कर रहा है? देखो हमारे पास दो आंसर है, एक हमारे पास ये F है जिसमें सिर्फ 50 है, दूसरी तरफ हमारे पास D ऑप्शन है जिसमें 50% गिवन है। तो इससे 50 वाला ऑप्शन नहीं टिक करेंगे हम लोग, D वाला ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे। D वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा 50%। तो डी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो गया। ऐसे ही अगर आप 1/4 100 का देखते हैं, 1/4 ऑफ 100, ऑफ का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई करना या गुणा करना। तो बहुत ही सरल हो जाएगी कहानी यहाँ से हमारी, बस हम 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में है, नीचे है, भाग के स्थान पर है, तो ये जो है 4 हमारा 100 को डिवाइड कर देगा। डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, 4 ones are 4, 4 twos are 8, जिसमें आपके पास 2 बच गया, और फिर बाद में आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 4 fives are 20, तो आंसर आ गया हमारा 25। क्या हमारे यहाँ कहीं पे भी 25 है? बिल्कुल है, ए ऑप्शन जो है वो 25 के बराबर है, तो इसका आंसर जो है वो 25 हो गया, और ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा आ जाएगा, ए वाला। अब देखते हैं 50% of 1000। अभी मैंने आपसे कहा था ना, जिस भी चीज का हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, ऑलरेडी परसेंटेज हमें दी हुई है ना, 50% यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक तो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था कि 50% जो है वो 1/2 के बराबर है, तो या तो हम 50% की जगह पे 1/2 रख सकते हैं, या फिर दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि जो भी प्रतिशत निकालना होता है, ऑफ वाली चीज का मतलब है मल्टीप्लाई, तो हम 50 को यहाँ पर अपना 1000 से, 1000 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद हम उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से हम उसे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 50% के फॉर्म में गिवन है। अगर यहाँ पे परसेंटेज पूछी जाती कि कितनी होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी परसेंट गिवन है और फिर निकालना है कि कितना प्रतिशत 1000 का 50% के बराबर होगा, तो हम 100 से यहाँ पर भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। बहुत सरल है, 2 जीरो से 2 जीरो जो है वो चले जाएंगे, और 50 और 10 को जब आप गुणा करेंगे, 50 into 10, that will be equivalent to 500. क्या 500 हमारे किसी भी ऑप्शन में आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, बी ऑप्शन में। तो हमारा यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
0.75 के बारे में यहाँ पर बात करने वाले थे। तो 0.75 को निकालने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने वो जीरो के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर अगर 0.75 लिखूंगी तो नीचे ये दशमलव हटाने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दो अंक थे, वो दो अंक यहाँ पर जीरो के फॉर्म में आ गए। अब जैसे हमने यहाँ पर 1/2 के लिए किया था, परसेंटेज के फॉर्म में आंसर निकाला था, तो यहाँ पर भी हम परसेंटेज के फॉर्म में आंसर निकालेंगे और इसका 100 से गुणा भी कर देंगे। अगर आप इसका 100 से गुणा भी कर देते हैं तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा 75%। इसका मतलब 0.75 जो है वो आपका 75 के परसेंट के बराबर है। तो ये है हमारा ऑप्शन सी। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो फोर्थ क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक है। इससे आप ये भी देख सकते हैं कि 0.25 मतलब कि 25%, 0.75 मतलब कि 75% के बराबर हो गई वहां पर चीज। दूसरा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है 1 as percentage is, तो एक जो है वो किसी चीज का पूरा हिस्सा, इसके बारे में बात हो रही है कि किसी चीज का पूरा हिस्सा। यहाँ पर 1/2 जो था वो 50% के बराबर हुआ, ये भी 0.75 जो है ये भी आपका पूरा हिस्सा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा 75% हिस्सा है, ठीक है। तो ये सब कम थे, एक से कम है, 1/2 भी एक से कम होता है, 0.75 भी एक से कम है, अगर एक होता तो 0 पॉइंट में नहीं हो रहा होता। तो इसका मतलब किसी चीज का जब पूरा हिस्सा है तो वो पूरा 100% होगा। तो क्या 100% है हमारा यहाँ पर है ई में, तो ई ऑप्शन जो है 100% यहाँ पर बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का है, सिक्स्थ क्वेश्चन। ये कहता है कि कॉस्ट प्राइस अगर हमारी सेलिंग प्राइस से कम है, ये लेस देन का साइन है, जिस तरफ ये बंद होता है मुंह ऐसे वो कम होती है संख्या, और जिस तरफ ज्यादा होता है वो संख्या ज्यादा होती है, खुला होता है जिस तरफ उस तरफ संख्या ज्यादा होती है। तो ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है मतलब क्रय मूल जिसमें हमने चीज खरीदी थी वो कम है और जिस पर हमने बेची है वो ज्यादा है। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मैंने ये मार्कर 8 रुपए का खरीदा था और आपको मैं 10 रुपए का बेच दूं तो मुझे 2 रुपए का फायदा हो गया यहाँ पर, तो वैसा ही यहाँ पर कुछ इन्होंने दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपसे कहा फायदा हो गया मुझे 2 रुपए का, तो फायदे का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है, लाभ। तो प्रॉफिट हमारा आई ऑप्शन में गिवन है, तो इसका उत्तर जो है वो आई ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके आगे आपके मंडाला आर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो जो मंडाला आर्ट वाला हमारा क्वेश्चन है उसमें एक आपकी फिगर बनी हुई है जिसमें अलग अलग टाइप के आपको जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो दिए हुए हैं। अब क्या क्या ज्योमेट्रिकल शेप्स गिवन है सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं और आप अपनी अपनी जो वर्कशीट है उसमें उन्हें गिनिएगा, गिनने की कोशिश करिए क्या सच में जितने मैं बता रही हूँ उतने ही है वो या कम या ज्यादा है। तो आप नीचे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि नहीं मैम आपने ये चीज गलत बताई है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल्स देखो जो त्रिभुज के आकार के हैं, ये जो ट्रायंगल इस तरीके के शेप के जो बने हुए हैं वो हमारे पास 12 आकृतियां हैं, ऐसी हमारे पास 12 आकृतियां हैं जो त्रिभुज के आकार की या ट्रायंगल के शेप की बनी हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास 36 आकृतियां हैं जो ऐसे डायमंड जैसी बनी हुई है या आपकी काजू कतली जो बर्फी होती है बिल्कुल वैसी बनी हुई है, इनको हम बोलते हैं रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम। तो रोम्बस या पैरेललोग्राम हमारे पास 36 है, 36 है। इसके आगे हमारे पास स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स हमारे पास कितने हैं जो चारों तरफ से जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो भी हमारे पास 12 है। और इसी तरीके से हमारे पास इस तरीके की आकृति जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं जिसमें आपकी ये दोनों जो भुजाएं होती है ये बराबर होती है और ये दोनों जो है वो समांतर होती है, पैरेलल होती है ये दोनों, इस तरीके की आकृति जो है वो भी हमारे पास 12 आकृतियां ऐसी बनी हुई हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी था कि कितनी कितनी आकृतियां हैं क्योंकि उसी के आधार पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो अपने कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ ट्राइंगल टू ट्रेपेजियम, कितने ट्राइंगल्स हैं उसका रेशियो किसके साथ हमें निकालना है, ट्रेपेजियम के साथ। तो अभी हमने देखा हमारे पास ट्राइंगल्स 12 थे और ट्रेपेजियम भी 12 ही थे, दोनों 12-12 हैं। तो रेशियो का मतलब होता है कि जो पहले दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कितने हो गए 12, उसको हम भाग दे दें जितने हमारे ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम कितने थे वो भी 12 ही थे। तो ये हमारा आ गया 1/1 मतलब
बिंदियां लगा देते हैं, ये रेशियो का साइन होता है, इस टू बोलते हैं हम इसको। तो आंसर हमारा 1:1 आना चाहिए, जो किसी में भी नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन नन वाला जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा 1:1 आना चाहिए था, पर वो नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो ये नन वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है द परसेंटेज फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स टू ट्रेपेजियम इज। मैंने क्या कहा था आपको पहले, अभी परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब ये हमारा 1:1 आ गया, मतलब अगर हम 1 का गुणा कर दे 100 से, तो कितना आ जाएगा, पूरा 100% आ जाएगा। क्या 100% कहीं पर भी उत्तर में है? जी बिल्कुल है, बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। जो हमारा ऊपर निकाला था हमने वही दिया है इन्होंने, लेकिन परसेंटेज निकालना है इस बार हमें ट्राइंगल और ट्रेपीजियम के रेशियो का। तो रेशियो हमारा 1:1 या फिर 1:1 आया था, उसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे मतलब 100 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और उससे हमें मिल जाएगा पूरा 100%। तो 100% जो है वो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो आपकी पैरेललोग्राम और रोम्बस वाली जो फिगर थी, जो हमारी यहाँ पर काजू कतली के जैसे दिख रही थी या पतंग के जैसे दिख रही थी, वो फिगर्स जो है उनमें से 2 फिगर्स ब्लू है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे मंडाला आर्ट, तो सिर्फ 2 ब्लू नहीं है, वहां पर 12 जो है वो ब्लू कलर की है। तो ये वर्कशीट में आपके एक छोटी सी गलती है, ये 2 नहीं है यहाँ पर, ये 12 जो है वो यहाँ पर आएगा, कि 12 शेप्स जो है वो ब्लू कलर की है, नीले रंग की है, और टोटल 36 है हमारे पास। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो ऐसी चीजों की परसेंटेज निकालने के लिए हमें जो निकालना है जितने की, तो वो है 12। टोटल कितना था हमारे पास 36, वो उसका यहाँ पे हम भाग दे देंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो हम यहाँ पर 100 से इसका गुणा भी कर देंगे। ठीक है, सरल है। अब 12 के ही टेबल में जो है वो 36 आता है, तो 12 ones are 12 और 12 threes are जो है वो हमारा 36 हो जाता है। तो 1/3 × 100 अगर आप करते हैं, आप देखेंगे जब 3 से आप 100 को कट करेंगे, तो ये हमेशा हमारा जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 3 3 3 3 9, 1 बच गया, फिर से 10 बन गया, फिर से आप 3 3 9 करोगे, पॉइंट लगाओगे, और ये चलता ही चला जाएगा आगे, ये 3 3 3 3 आता ही चला जाएगा। तो इस 3 3 3 3 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारा 33 1/3 जो है वो वाला उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात सिर्फ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इन्होंने 2 दिया हुआ है वर्कशीट में, पर 2 नहीं, आप देखिए उसमें 12 ब्लू फिगर्स हैं, तो 12 ब्लू फिगर्स जो है वो हम यहाँ पर लेंगे, तभी हमारा उत्तर जो है वो सही आएगा। अगर आप 2 लेते तो इनमें से कोई भी उत्तर नहीं आता। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, यहाँ पे 12 की जगह आप 2 लिखना और फिर उत्तर निकालने की कोशिश करना, इनमें से कोई सा भी उत्तर सही नहीं होगा फिर उस वाले केस में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये कुछ वैसा ही है जैसा मैंने आपको अपने मार्कर का एग्जाम्पल देके बताया था, कि हमने इस वाली मंडाला आर्ट को 250 रुपए में खरीदा था, और फिर मैंने इसे 150 रुपए में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमें पता है कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होता है कि सीपी कितना है, एसपी कितना है। तो सीपी जिसपे हमने खरीदा था, क्रय मूल्य हमारा 250 का था, और एसपी जिसपे हमने बेचा है वो सिर्फ 150 ही है। सामने सामने नजर आ रहा है कि कम है, जब ऐसा होता है इसका मतलब हमें लॉस हुआ है, हमें हानि हुई है। तो सबसे पहले तो हमें लॉस हुआ है, अब कितना लॉस हुआ है हमें, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे 100 जो है वो आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है 100 रुपए का, लेकिन इन्होंने यहाँ पे प्रतिशत भी पूछा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होगा आपका 100 upon CP जो कि 250 था × 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 लगाते हैं, तो कितने का लॉस हुआ वो, और उसके ऊपर नीचे सीपी से उसका भाग दे देंगे, और साथ में 100 यहाँ पे। अब आप 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर सकते हो, 25 ones are 25 और 25 fours are जो है वो हमारा 100 हो जाता है, 4 × 10 = 40 के बराबर हो गया। तो 40% का जो है वो हमें यहाँ पर लॉस हो गया है। ठीक है, 40% का हमें यहाँ पर लॉस हो गया है। एक पांचवा क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं, फिर हमारी ये वर्कशीट खत्म हो जाएगी। ये देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमारा पहले सभी का रेशियो बता रहा है कि कितने कितना है, वो तो हम वैसे भी पहले ही निकाल ही चुके थे। तो हमारे पास ट्राइंगल
ट्राइंगल जो है वो 12 थे, रोम्बस और हमारे जो पैरेललोग्राम थे वो 36 थे, फिर उसके बाद हमारे पास स्क्वायर और ट्रेपीजियम भी 12-12 ही थे। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालनी है रोम्बस या पैरेललोग्राम की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे परसेंटेज हम निकालते हैं, जितना भी गिवन क्वांटिटी है, तो गिवन यहाँ पे 36 है अपॉन टोटल, तो टोटल हमें पहले करना होगा। तो अगर मैं 36, 12, 12 और 12 को प्लस कर लेती हूँ टोटल निकालने के लिए, तो वो 72 हो जाएगा। अब उसमें रोम्बस और पैरेललोग्राम कितने थे, 36 थे, हमें उसे अपॉन में करना होगा 72, और फिर हम उसका गुणा कर देंगे 100 के साथ। यहाँ पर जब आप ऐसा करोगे तो आप देखो यहाँ पे 36 का डबल होता है 72, इसका मतलब 36 वन्स आर 36 और 36 टूज आर 72। अब कुछ याद आया, सबसे पहला हमने जो क्वेश्चन किया था वो यही था जब हमने हाफ का 100 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब कि 50%। तो यहाँ पर हमारा जो 50% है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप इसे अपने बाकी के दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरीके से वर्कशीट को पूरा करके जो है वो अपने टीचर्स को भेजते रहें।